Dear students, today our topic is looping. Looping is one of the important concepts in C programming language. It executes a block of statements number of times until condition become false. Looping are of two types, entry controlled. Second one is exit control. Entry control loop. In entry control loop, a condition is checked before executing the body of loop. It is also known as pre-check. Exit control loop. In an exit control loop, a condition is checked after executing the body of loop. It is also known as post-checking loop. C programming language provides us three types of looping. These are as follows. Number one, while loop. Number two, do while loop. And number third, for loop. While loop. It is an entry control loop. In while loop, a condition is evaluated before processing of a body. If condition is true, then the body of loop is executed. After the body of loop is executed, then control again goes back at the beginning and the condition is checked. If it is true, the same process is executed. The condition is false, the control goes out of the loop. Here, the syntax of a while loop. While condition, statement 1, statement 2, dash dash dash, statement n, incrementation and decrementation. Here, if condition is true, these statements are executed. And you can also say that these block of statements is executed if the condition is true. Otherwise, the control goes outside of the loop. Then the statement is start from these statements. आप समझिए लूपिंग क्या होता है. समझिए लूपिंग क्या है कि पहले समझिए स्टेटमेंट क्या होता है. तो कोई स्टेटमेंट लिखे हम लोग प्रिंट एफ. हेलो, ठीक. अब क्या है, एक से अधिक स्टेटमेंट को हम लोग कहीं पर लिखते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो इसको ब्लॉक्स बोलते हैं. तो लूपिंग क्या है कि कोई भी ब्लॉक्स को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट को हम लोग अगर इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक ले जाएं एक टर्म एंड कंडीशन में, तो इसको हम लोग लूपिंग बोलेंगे, ठीक है. जैसे इसका कोई इनिशियल वैल्यू होगा, इनिशियल वैल्यू, और कोई इसका फाइनल वैल्यू होगा. ठीक है, अब क्या करेगा कि कोई भी स्टेटमेंट हो या एक से अधिक स्टेटमेंट हो जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को या ब्लॉक को अगर हम लोग बार बार रिपीट करना चाहते हैं, है ना, तो उस समय तक करेगा जब ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक ना पहुंच जाए. और जैसे ही फाइनल वैल्यू पहुंच जाएगा यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उस वक्त क्या होगा, ये लूप काम करना बंद कर देगा. ठीक है, अब देखिए ये इनिशियल वैल्यू हो गया, ये फाइनल वैल्यू हो गया, और ये जो हमारा हुआ ये स्टेप कहलाया, स्टेप. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू मान लीजिए 1 है और फाइनल वैल्यू 10 है और स्टेप हमारा 1 है, तो हमारा क्या होगा, 1 2 3
फोर कब तक जाएंगे, जब तक कि वैल्यू 10 ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही 10 पहुंच जाएंगे हम लोग, तो ये हमारा कंडीशन, उसके बाद 10 के बाद जैसे ही 11 को पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होने की वजह से ये लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो तभी काम करेगा ये लूप जब तक के ये कंडीशन फुलफिल होता रहेगा। अब दो तरह का लूप होता है, एक एंट्री कंट्रोल और दूसरा एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल वैसा लूप है जो जैसे ही एंट्री करते हैं, जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर आगे पढ़ेंगे हम लोग व्हाइल लूप, व्हाइल उसके बाद कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट शुरू, और इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप वैसा लूप है जो एंट्री करने के वक्त ही कंडीशन को चेक करे, जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो तभी इसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज ये नहीं करेगा। कंडीशन फॉल्स होगा, ये लूप के अंदर नहीं जाएगा और इसके नीचे वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाइल लूप में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, व्हाइल लूप का पूरा डिस्क्रिप्शन करना है हम लोगों को। तो एंट्री कंट्रोल का मतलब हुआ, जैसे ही एंट्री करें हम लोग लूप के अंदर, तो उसको सबसे पहले चेक कर ले, अगर कंडीशन फुलफिल हो तो वो इसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, नहीं तो लूप से बाहर हो जाए। एग्जिट कंट्रोल क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप वैसा लूप है जो कंडीशन क्या करेगा, बाद में चेक करेगा, ठीक है। जैसे डू व्हाइल हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल, उसके बाद लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद लिखेंगे सेमीकोलन, ठीक है। डू व्हाइल स्टेटमेंट में क्या करेगा कि जब हम लोग पूरा का पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेंगे तब जाके बाद में कंडीशन चेक करेगा। तो ये एग्जिट कंट्रोल है, पहला कंडीशन चेक करने के बाद हुआ एंट्री कंट्रोल, और बाद में जो चेक किया वो एग्जिट कंट्रोल हो गया। अगर कंडीशन फुलफिल होगा तब फिर दोबारा लूप में जाएंगे, अदरवाइज लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो तरह का लूप होता है, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें तीन तरह का लूपिंग देता है, नंबर वन व्हाइल लूप, नंबर दो डू व्हाइल लूप, नंबर थ्री फॉर लूप। अब जो व्हाइल लूप होता है ये क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ये क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो उसी वक्त ये लूप काम करेगा। इन व्हाइल लूप द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर प्रोसेसिंग। क्या करेगा, जैसे ही कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे और कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर स्टेटमेंट फुलफिल हो गया तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो गया, फिर इसमें इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे या बढ़ाएंगे या घटाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर इनिशियल वैल्यू पर जाएगा, यानी व्हाइल से कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। यही हमारा व्हाइल लूप है, ठीक है। ये इस लूप का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं बता चुके हैं, इस जब भी हम लोग लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसको इसलिए करते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट हो, दो स्टेटमेंट हो, या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को ब्लॉक्स बोलते हैं, और ब्लॉक्स को बार बार रिपीट करने के लिए उस समय तक कि जब तक कि कंडीशन हमारा फुलफिल ना हो जाए तो हम लोग लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे पहला लूप हुआ वो व्हाइल लूप। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम। क्या होगा क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज, सीरीज क्या होगा,
1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus 10. ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन हमको बनाना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका सम निकालना है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h। उसके बाद लिखते हैं क्या, void main curly brackets। अब मान लीजिए इसको हम लोग i मान लेते हैं वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो i का वैल्यू कहाँ होगा, 1 से लेके 10 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 10 तक जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं इंटीजर i इज इक्वल टू 1 कॉमा सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि टोटल का सम निकालना है। उसके बाद लिखेंगे सी एल आर एस सी आर कर्ली ब्रैकेट सी एल आर एस सी आर लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। मतलब हुआ कि आई का वैल्यू जब तक 10 से छोटा और बराबर ना हो जाए ये लूप चलता रहे। ठीक है, तो i का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सम बराबर सम प्लस i, सम बराबर सम प्लस i। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए इसका इंक्रीमेंट देखिए, 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, यानी ये स्टेप जो होगा हमारा वो वन का। तो यहाँ पर लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 1। अब लिखेंगे प्रिंट f सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू परसेंट d, उसके बाद सम, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन, उसके बाद लिखेंगे गेट सी एच, उसके बाद। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, क्या होगा, इनिशियल वैल्यू 1, तो इनिशियल वैल्यू हम लोग 1 मान लिए। ठीक है, और इसका स्टेप 1 हो गया, इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, इसी तरह सबको घटाते जाइएगा तो 1 ही स्टेप होगा, यानी एक स्टेप से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सी एल आर एस सी आर क्या करेगा कि क्लियर करेगा स्क्रीन को, फिर यहाँ चेक करेंगे आई का वैल्यू अभी क्या है, 1 है, 1 क्या है, 10 से छोटा है ना, तो 10 से छोटा है तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अभी क्या था, ड्राई रन करते हैं इसका हम लोग, देखिए अभी i का वैल्यू 1, i बराबर, ठीक, और सम इज इक्वल टू सम प्लस i हो गया यहाँ पर, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस i, सम प्लस i, तो अब क्या हो जाएगा, सम का वैल्यू है 0, तो अब सम बराबर क्या हो जाएगा, सम बराबर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, अब 1 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इंक्रीमेंट लगाएंगे 1 से i का, तो अब फिर i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू i प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, i का वैल्यू है 1, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अब फिर लूप के अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन को, उस समय तक कंडीशन चलता रहेगा जब तक कि i का वैल्यू 10 से छोटा रहे या उसके बराबर हो जाए, तभी तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो अब i का वैल्यू, अब फिर देखते हैं सम बराबर क्या हो जाएगा, सम बराबर
सम प्लस आई, मतलब हो गया आई का वैल्यू, सम का वैल्यू हो गया 1 और आई का वैल्यू हो गया 2 यानी 3। अब सम बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे नीचे में क्या स्टेप होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब आई का वैल्यू 3 हो गया, फिर ही इसी लूप में रहेगा। ठीक है, क्योंकि आई का वैल्यू अभी भी 10 से छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, सम बराबर सम प्लस आई, तो डॉट डॉट डॉट, तो यहां से लेके यहां तक बढ़ेगा, उस समय तक ये काम करेगा जब तक कि आई का वैल्यू 10 के बराबर ना हो जाए। जब फाइनली सम का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पर प्रिंट से क्या करेंगे, सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू लिखा हुआ आएगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ मैसेज आएगा, परसेंट डी से क्या होगा, इस सम का वैल्यू मिलेगा और ये सम का वैल्यू टोटल सम ऑफ द सीरीज का वैल्यू प्रिंट कर देगा और गेट सी एस से क्या करेगा, स्ट्रिंग को होल्ड करेगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम हुआ हमारा, ये व्हाइल लूप के लिए हुआ।